नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं वो देखते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की? निम्नलिखित में से किसने 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी रास बिहारी घोष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नरोजी ने 1886 ईस्वी में कोलकाता में अध्यक्षता की थी और रास बिहारी घोष ने 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उस टाइम कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के पहले सत्र के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के पहले सत्र के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ सत्र, ऑप्शन बी सूरत सत्र, ऑप्शन सी बॉम्बे सत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत सत्र। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरत सत्र। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिया है कि सूरत सत्र की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, तो यह अध्यक्षता 1907 में सूरत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन ए विलियम बैटरवन, ऑप्शन बी है जॉर्ज यूल, ऑप्शन सी है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम बैटरवन। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिया है इसे देखते हैं। विलियम बैटरवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे नंबर के हैं तथा जॉर्ज यूल पहले नंबर के अंग्रेज अध्यक्ष थे और ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाहौर। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं,
फैक्ट को देखते हैं तो लाहौर सत्र जवाहरलाल नेहरू, लाहौर सत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 ईस्वी में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, यह प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार भारतीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता सत्र 1896, ऑप्शन बी इलाहाबाद सत्र 1888, ऑप्शन सी कोलकाता सत्र 1911, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता सत्र 1896। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सत्र 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सत्र में जनगण मन सबसे पहले गाया गया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सत्र में जनगण मन सबसे पहले गाया गया था, तो तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बद्रुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी पंडित बिशन नारायण धर, ऑप्शन सी राज बिहारी घोष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित बिशन नारायण धर। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडित बिशन नारायण धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने थे? 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार काम करने वाले कौन थे? तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार काम करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नरोजी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नरोजी। तो दादा भाई नरोजी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार काम करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। ये भारतीय पहली महिला थी और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी। हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें।